एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर राज ठाकरे ने निशाना साधा है। जी हाँ, अजीत पवार पर जमकर भड़कते नजर आए राज ठाकरे। राज ठाकरे ने कहा, मैंने भी शिवसेना से अलग होने का लिया था फैसला, लेकिन मैंने किया था वादा बाला साहब ठाकरे से कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उनके खिलाफ नहीं कहेंगे। चाहे बाला साहब ठाकरे उनके बारे में कुछ भी कहें, उन्हें अधिकार है, लेकिन वो बाला साहब के खिलाफ एक शब्द नहीं कहेंगे। अपने वादे को उन्होंने बरकरार रखा, बाला साहब का मान सम्मान बरकरार रखा, भले ही उद्धव से उन्हें आपत्ति रही और उन पर उन्होंने जमकर निशाना साधा, लेकिन बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर उन्होंने अजीत पवार को अपनी जगह दिखाई और कहा, कैसे एनसीपी छोड़ने के बाद एनसीपी के अस्तित्व को बनाने वाले शरद पवार के खिलाफ, अपने ही चाचा के खिलाफ बगावत तो की ही अजीत ने, लेकिन उनके खिलाफ जमकर भाषण दिए, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, उनके खिलाफ बयानबाजी की, ये सरासर उन्हें पसंद नहीं आया। अजीत पवार के इस राजनीति को निचली स्तर की राजनीति बताते नजर आए राज ठाकरे। साथ ही में उन्होंने कहा कि वो आगे आने वाले हालातों को देखकर, राजनीति सोच और विचारों को देखकर ही बदलाव के बारे में सोच कर ही आगे कदम उठाएंगे, किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं। फिलहाल बीजेपी के साथ जुड़ने में उन्हें ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है, महायुति के साथ जुड़ने में ज़रा भी उन्हें दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कह दिया, आखिर में एक बार मेरे चप्पल में पैर डालकर तो देखो। ये थी उनकी चेतावनी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ तृप्ति की रिपोर्ट।